गाइस वेलकम बैक टू द चैनल और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल करंट एडवाइस में। और देख रहे हैं रोनी सिंह, तो बने रहिए गाइस। आज दिन का मौसम काफ़ी ख़राब सा नज़र आ रहा है। इंटरव्यू होने से रहा था क्योंकि हम थोड़ा लेट गए थे, तो उन्होंने बोला था आज 10 बजे आने को, तो निकल रहे हैं फिलहाल अभी डायरेक्ट इंटरव्यू देने। तो बने रहिए, आपको दिखाते हैं अभी होता है क्या। भाई जी, आप चेक कर सकते हैं, यह है स्मार्ट बाज़ार और ये जियो का सबसे मेन ऑफिस है, आप चेक कर सकते हैं। बने रहिए, निकलते हैं अभी अंदर, देखते हैं होता है क्या, तो आपको बताएंगे सारी चर्चा वापस आने के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं जियो का ऑफिस, ये पूरी बार पार्किंग है और यहाँ से ऊपर जाना है भैया अंदर। सर पहले विजिट करते हैं। हाँ, मेरी बात हो गई चुकी। हाँ, तो गाइस अभी वेट कर रहे हैं, अभी 2 मिनट का टाइम दिया है इन्होंने, देखते हैं। मिले तो हमें वही थे जो लास्ट टाइम आए थे हमारे साथ, गुलशन सर करके नाम है कुछ, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी उन्होंने बोला है बैठिए 2 मिनट, देखते हैं गाइस होता है क्या। बने रहिए, इंटरव्यू तो हमने दे चुके हैं यहाँ पहले से ही, तो फिलहाल बस आपको इंतजार करना है अभी सामने से प्रेफरेंस क्या मिलने वाला है। गाइज नाउ वी आर वेटिंग फॉर, हमें हो चुका है यहाँ पे करीबन 1 घंटा हम बैठे हुए हैं। अब जैसे का व्यू देख सकते हैं अंदर से, ये भैया है हमारे साथ, ये भी अपने पहाड़ी बंदे हैं। सो गाइज अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं, फिर आपको पूरा जैसे का व्यू दिखाएंगे, पूरे जैसे में क्या क्या अवेलेबल है, और आज होगा पूरा जियो का फ्लैश बैक वाला टूर। ओके, बने रहिए हमारे साथ। गाइज फाइनली हमको 3 घंटे हो चुके हैं यहाँ बैठे हुए और अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है, तो देख रहे हैं अभी क्या पता हमारे रिस्पॉन्स का ही वेट हो रहा हो, तो क्या किया जाएगा इस बताइए हमें। यहाँ से अंदर कॉल किया जाए या फिर उन्हें बाहर बुलाया जाए या फिर खुद अंदर जाया जाए या इंतज़ार किया जाए, बैठा रहा जाए। यार अपने संयम की परीक्षा हम आज खुद लेने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, हम बैठे रहिए यहीं पे, क्योंकि होता ही ऐसा है कहीं इसका, तो बने रहिए। आपको 3 घंटे से यहीं पर वेट कराते हुए हमें भी मज़ा आ रहा है। कहीं सभी निकल रहे हैं नाश्ता करने के, थोड़ा सा भूख ज़्यादा हो रही है हमें आज, ऐसा ही माहौल कुछ लग रहा है। यहाँ पर लगी हुई है इमरजेंसी लिफ्ट, तो फिर से हमें दूसरी लिफ्ट मिली है यहाँ पे और हम आ चुके हैं दूसरी लिफ्ट पे। स्मार्ट बाज़ार जियो का आप देख सकते हैं, पूरा अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। सो गाइस ये ट्रे वगैरह है, यहाँ से एग्जिट पोल भी है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बार पे ही है खाने का स्टॉल वगैरह, तो कुछ करेंगे नाश्ता, निकलेंगे फिर से अंदर। उनका वेट करना थोड़ा हमें मुश्किल तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी एक बात होती है गाइस। और ये आप देख सकते हैं स्मार्ट बाज़ार का पूरा कुछ ऐसा भी हुआ है, ये आपको यहाँ पे हर चीज़ देहरादून के निरंजनपुर मंडी के पास ही, तो बने रहिए आपको मिलाते हैं अभी चाय वाले भाई से। हमने दिया है एक पराठे का ऑर्डर, ये जस्ट यहीं पर जियो के ऑफिस के पास ही है पनबा की, ये देखते हैं। हाँ, थाली है। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक लग रहा है यहाँ पे अभी सब चीज़, अभी आप देख सकते हैं एक में 5 के उसमें ले जा देता हूँ, तो ईजी है यहाँ पे, कैफे टाइप ही है। बने रहिए हमारे साथ अभी पूरे दिन भर, कुछ भरोसा नहीं होता है सामने वाले का, सामने वाला आपको किस प्रकार से जज करता है, या फिर सामने वाला आपकी पेशेंस लेवल को भी चेक कर सकता है, सामने वाला आपके रुकने की क्षमता, भूख की क्षमता, किसी भी चीज़ पर आपको जज कर सकता है। लेकिन गाइस मेन बात यह है, आप खुद की तरफ से गलत ना हो, सो ऑल इज़ वेल। ऑफकोर्स ये हमने सीखा है खुद से ही, हम आपको इससे ज़्यादा क्या ही बता सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। भाई जी हमारी थाली लग चुकी है और अब खाने के बाद हमको सुबह निकलना है ऊपर, क्योंकि क्या पता हमारा वेट ना हो रहा हो ऊपर, फटाफट खाना फिनिश करते हैं और मिलते हैं इसके बाद सुबह। आपको दिखाते हैं अभी आगे क्या होता है, क्योंकि हम सुबह से यहाँ पर आ चुके हैं और अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है, तो बस बाकी है देखना रिस्पॉन्स होता है क्या। टाइम हो चुका है 1 और हम अभी में अब देख सकते हैं ये लॉबी है जियो फाइबर की, एंड पूरा जियो GMS रोड का जो पूरा बड़ा ऑफिस है यहीं पर है, मेन है जो ब्रांच है देहरादून में, वो आपको GMS रोड के पास ही मिलेगी। वैसे अड्डी पार्क में भी ऑफिस है एक, और एक दूसरा ऑफिस है मसूरी में, पर अपना एरिया जो वर्कआउट वाला है वो मसूरी में ही आता है। सो बने रहिए, काम हो चुका है, अभी हम निकल रहे हैं सीधा रूम के, और क्योंकि अभी हमने रिज्यूम दे दिया इनको व्हाट्सएप पर और बातचीत तुम्हारी पहले से हो रही थी, तो देखते हैं अभी अपडेट मिलेगा हमें कॉल पर। बने रहिए, भी निकलते हैं डायरेक्ट रूम की ओर। सो आई वॉन्ट्स टू नो दैट ये क्या कहने वाले हैं और क्या हमें इनकी तरफ से मिलने वाला है संकेत, तो बने रहिए आपको बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग या जब कॉल आएगा उसके बाद ये बता पाएंगे आपको। एकदम निकल चुके हैं जियो ऑफिस से बाहर और ये पूरा काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर स्मार्ट बाज़ार है पूरा नीचे,
और इधर पे सारी पार्किंग की सुविधाएं भी हैं, हमारी गाड़ी यहीं आगे लगी हुई है। तो चलते हैं डायरेक्ट गाड़ी के पास। आप देख रहे हैं रानी सिंह, यह है कनेक्टेड वाइब्स, बने रही है, आपका साथ हमें बहुत आगे तक पहुंचा सकता है। तो गाइस नाइस टू मीट यू एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, इसकी काफ़ी कृपा है हमारे ऊपर। ये देखिए गाइस हमारी गाड़ी खड़ी है, तो निकलते हैं इसको लेके। जय बाबा भगवान, जय माँ भगवती। और हमारे ऊपर काफ़ी, मतलब मुझे लगता है कृपा काफ़ी ज़्यादा है ऊपर वाले की, तो हम ऑलवेज थैंक यू कहना चाहेंगे ऊपर वाले को। बस बाकी भाई लोगों का भी सपोर्ट रहता है हर टाइम, सो इतना ही कहना चाहता हूँ। पैसा और समय और इंसान, हमें तीनों को ही कमाने की ज़रूरत होती है, तो बने रहिए। भाई हम पहुँच चुके हैं रूम पर और आपको दिखाएंगे यहाँ पे। ये देखिए रैम्बो बाबा, हाउ आर यू? ये नमस्ते नमस्ते गुड। ये देखिए गाइस ये है रैम्बो, और ये भी हमारा इतना ही एक पेट है, पूरे मज़ेदार फील के साथ रहता है यहाँ। सो निकलते हैं रूम पर।